तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ल त्रयोदशी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है आधार कार्ड को लेकर। जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड पे एड्रेस में बदलाव करना बेहद आसान हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने इसके लिए नया नियम जारी किया है, जिससे अब आप परिवार के मुखिया के एड्रेस प्रूफ और उनकी सहमति से आधार कार्ड में अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसमें केवल 50 रूपए की फीस लगेगी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पहले आधार कार्ड पे एड्रेस में बदलाव करने के लिए किसी व्यक्ति को अपना खुद का एड्रेस प्रूफ देना पड़ता था। हालांकि अब बीते मंगलवार को ये नया नियम जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अगर आप आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो आप परिवार के मुखिया का राशन कार्ड, मार्कशीट, शादी कार्ड, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। शर्त यह है कि जमा किए गए डॉक्यूमेंट में परिवार के मुखिया के साथ आवेदनकर्ता का रिश्ता पता चलना चाहिए। साथ ही जानकारी दी गई है, अगर डॉक्यूमेंट में दोनों के बीच रिश्ता साफ नहीं हो रहा है तो मुखिया सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट कर सकता है, यानी कि जो परिवार का मुखिया है वो आगे से आकर खुद ये कह सकता है कि जो एड्रेस बदलवाना चाहता है वो मेरा बेटा है, पोता है या कोई है। तो मुखिया अगर केवल उसकी ऑनलाइन गारंटी ले लेगा तब भी आधार कार्ड पे एड्रेस बदल जाएगा। बाकी दोस्तों आप ज्यादा जानकारी के लिए या एड्रेस को अपडेट करवाने के लिए आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट myaadhar.uidi.go.in को विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब सरकार के एक बड़े फैसले को लेकर। बताया गया नशा तस्करों को काबू करने के बाद अब उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। ये फैसला पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को लिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को खत्म कर दिया है। साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि नए साल पे सरकार के इस उपहार से 81 करोड़ लोगों को मिलने वाले अनाज में 50% की कटौती की गई है। साथ ही में कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि पिछले 2 सालों से देश के 81 करोड़ गरीब लोगों को 10 किलो प्रति महीने अनाज मिल रहा था, लेकिन अब 5 ही किलो मिलेगा। साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी दावा किया है कि पीएम मोदी ने ये फैसला राज्य सरकारों के साथ बात किए बिना और संसद में बिना चर्चा के लिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश में आने वाले 12 चीतों को लेकर। जानकारी के मुताबिक 12 और चीते इसी महीने भारत में लाए जा सकते हैं। शायद दोस्तों आपको पता होगा, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते लाए गए थे जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने 72वें जन्मदिन के मौके पर पुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये खबर आ रही है कि 12 चीते और लाए जाएंगे। इनमें 7 मेल और 5 फीमेल चीते शामिल हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आज़ादी पे ज्यादा पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने इस बारे में फैसला देते हुए कहा कि इसके लिए पहले से ही संविधान में प्रावधान मौजूद है। साथ ही में कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी आपत्तिजनक बयान के लिए उसे जारी करने वाले मंत्री को ही जिम्मेदार माना जाएगा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस फैसले पे आपका क्या कहना है। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप भी जानते होंगे कि अपने विदेश में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी बीच न्यूज एजेंसी NI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि अभी देश में बूस्टर डोज की दूसरी खुराक नहीं दी जाएगी जब तक के सभी देश के नागरिकों को प्रिकॉशन डोज नहीं दी जाती। साथ ही बताया गया तब तक सरकार इस पे कोई फैसला नहीं लेगी। आसान शब्दों में कहें तो सूत्रों से ये जानकारी पता चली है कि फिलहाल कोरोना को लेकर वैक्सीन की चौथी खुराक नहीं दी जाएगी, यानी कि बूस्टर डोज की दूसरी खुराक। बताया गया सबसे पहले ये कोशिश है कि लोगों को कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक यानी कि बूस्टर डोज लग जाए, उसके बाद ही चौथी खुराक पे कोई फैसला लिया जाएगा। दोस्तों आइए अब अगली खबर में जानते हैं कि अपने देश में बीते रोज लगभग 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल MyGov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 134 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के देश भर में। साथ ही इसी दौरान 222 लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से। साथ ही में एक और अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में कोरोना के कारण देश भर में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। अगर दोस्तों बात की जाए एक्टिव केसेस की तो अभी अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 2582 है। आसान शब्दों में कहें तो अभी अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के मिशन गगनयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक मिशन गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सीक्रेट ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया गया 10 फीट गहरे पानी में अपने भारत से स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी में कैसे जी सकते हैं ये सीख रहे हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आने वाले साल 2024 में अपना देश भारत मिशन गगनयान लॉन्च करेगा, जिसके तहत पहली बार भारत से इंसान अंतरिक्ष में जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ट्रेनों के लेट होने पर मिलने वाली सुविधाओं को लेकर। दोस्तों जैसा कि
शायद आप जानते होंगे अभी ठंड के कारण और खास करके ठंड में जो घना कोहरा लगता है इसकी वजह से रोजाना ही कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं। हालांकि दोस्तों आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि कोहरे की वजह से ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को 5 सुविधाएं दी जा रही हैं। पहली सुविधा यह है कि ट्रेन देरी से चल रही है तो इसकी जानकारी यात्री के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जा रही है। वहीं दूसरी सुविधा यह है कि वेटिंग रूम में फ्री में रुकने दिया जा रहा है, हालांकि इसके लिए यात्रियों को रिजर्वेशन टिकट दिखाना होगा। साथ ही तीसरी सुविधा यह है कि अगर राजधानी शताब्दी और दुरंतो 3 या उससे ज्यादा घंटे लेट हो गई है तो ISATC की तरफ से यात्रियों को फ्री में खाना मिलेगा। चौथी सुविधा ये दी जा रही है कि ट्रेन लेट होने पर रेलवे स्टेशन पर खाने पीने के स्टॉल को देर रात तक खुला रखा जा रहा है। वहीं कोहरे के कारण ट्रेन लेट होने पर 5वीं सुविधा ये दी जा रही है कि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त स्टाफ और RPF की तैनाती की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है। देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते मंगलवार को ये बात कही है। साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर सिनेमा हॉल के अंदर लोगों को ये सामान ज्यादा महंगा लगता है यानी कि पॉपकॉर्न वगैरह, तो ग्राहक चाहे तो इसे ना खरीदें, लेकिन जो सिनेमा हॉल के अंदर पॉपकॉर्न या समोसे बहुत ज्यादा महंगे में मिलते हैं तो उनके दाम तय करने का अधिकार सिनेमा हॉल मालिकों के पास है। असल में अभी हाल ही में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए। दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि जल्दी आने वाले दिनों में ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए नए नियम जारी किए जा सकते हैं। इसी के तहत कुछ और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अब ऑनलाइन गेम खेलने के लिए KYC कराना जरूरी होगा। साथ ही बताया गया है गेम में कितने रुपए जीते हैं इसकी भी जानकारी देनी होगी। आने वाले फरवरी के महीने से जो जो नियम लागू किए जाएंगे इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल अभी इसका ड्राफ्ट पेश किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजनाथ सिंह के एक बड़े बयान को लेकर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। यह हमें भगवान राम और बुद्ध से विरासत में मिला है। हालांकि अगर हम पे युद्ध को थोपा गया तो हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है PM मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक PM मोदी आने वाले 27 जनवरी को एक बार फिर से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गौतम अडानी और एलन मस्क को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी मामले में एलन मस्क को जल्दी अडानी पीछे छोड़ सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। असल में बात यह है कि अभी हाल ही में एलन मस्क की नेटवर्थ में $200 बिलियन की कमी आई है। आसान शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि एलन मस्क को बीते साल 2022 में $200 बिलियन का घाटा लगा है। जानकारी के मुताबिक अभी गौतम अडानी और एलन मस्क की नेटवर्थ में केवल 1.34 लाख करोड़ रुपए का अंतर है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ब्याज दरों को लेकर। ताज़ा जानकारी में बताया गया भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी की संभावना के साथ साथ विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं। बताया गया साल 2023 में बाजार को नुकसान पहुंचाए बिना महंगाई को कंट्रोल करने में नीति निर्माता जुटे हुए हैं। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में दुनिया के कई बड़े बड़े देश के जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपनी ब्याज दरें घटा सकते हैं। इस साल 2023 में फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर। जानकारी के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि अब वो कोई मामूली रोल नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई 25 करोड़ रुपए देगा तब भी वो कोई छोटा रोल नहीं करेंगे। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के विदेश मंत्री के एक बयान को लेकर। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। इसी दौरान जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान आतंक का एपी सेंटर है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि पड़ोसी देश जो कर रहा है उसके लिए एपी सेंटर छोटा शब्द है, मैं इससे और तल्ख बोल सकता था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने सेक्स ऑडियो को लेकर फिलहाल अभी चर्चा में बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बारे में इमरान खान का आरोप है कि डर्टी ऑडियो पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद ने लीक करवाया है। साथ ही इमरान खान ने आगे कहा कि जावेद बाजवा ने यानी कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल ने मुझे प्ले बॉय कह दिया था तो इस पर मैंने उस समय कहा था कि हाँ मैं प्ले बॉय था। साथ ही इमरान खान ये भी कहते हैं कि मैंने कभी फरिश्ता होने का दावा नहीं किया। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले इमरान खान का एक सेक्स ऑडियो लीक हो गया था। दोस्तों आपको बता दें लीक ऑडियो में इतनी अश्लील बातें की गई हैं कि उसे यहाँ पे बताना सही नहीं है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। जानकारी के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को तेज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत इसी महीने से होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा प्रवास नामक अभ्यास के तहत जनवरी में 11 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। बताया गया इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होगी। जानकारी के मुताबिक इन 11 राज्यों में त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और पश्चिम बंगाल भी शामिल हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तनिषा शर्मा और शीजान खान केस को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले में अब एक नया आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक महीने तक शीजान खान के बाल नहीं काटे जाएंगे। साथ ही बताया गया शीजान खान को अब जेल में भी सुरक्षा दी जाएगी। असल में अभी हाल ही में ये दोनों ही मांगे शीजान खान ने की थी कोर्ट से, तो अब कोर्ट ने शीजान खान के इन दोनों मांगों को मान लिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कार के नीचे फंसकर घिसटने वाली लड़की के केस को लेकर। इस केस को लेकर ताजा अपडेट आया है, जिसमें ये बताया गया है कि कार से 2.5 किलोमीटर घसीटने के बाद ही आरोपियों ने लड़की का हाथ देख लिया था, मगर उन्होंने पुलिस की डर से कार को नहीं रोका। साथ ही इस केस को लेकर एक और जानकारी आई है, जिसमें यह आशंका जताई जा रही है कि जिस लड़की की जान गई है वो नशे में थी। हालांकि इसका पूरा खुलासा आने वाले दिनों में हो पाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीते नए साल को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते 1 जनवरी के मौके पर यानी कि न्यू ईयर की पार्टी में देश भर के कई लोग 15 टन बिरयानी खा गए। साथ ही जानकारी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में 24 घंटे बिना रुके डिलीवरी बॉय फूड पहुंचाते रहे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान कोई बेहोश हुआ तो किसी की जान तक चली गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दुनिया के सबसे महंगे फैब्रिक को लेकर। जानकारी के मुताबिक इस फैब्रिक यानी के कपड़े से जो शर्ट बनती है उसकी कीमत 4 लाख रुपए तक होती है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाए जाने वाले विकुनो नाम के जानवर का ऊन दुनिया का सबसे महंगा फैब्रिक है। बताया गया विकुनो नाम के जानवर की ऊन से जो मोजे बनाए जाते हैं उनकी कीमत 80,000 रुपए तक होती है। वहीं पैंट की कीमत तो 9 लाख रुपए तक होती है और इससे जो कोट बनता है उसकी कीमत लगभग 11.5 लाख रुपए तक होती है। असल में विकुना जानवर के ऊन से बने कपड़े इसलिए ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि ये जो विकुना नाम का जानवर है वो दुनिया के लुप्त होने वाले जानवर की कैटेगरी में आता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में कई दिनों का सफर करते हुए पहुंच चुकी है। हालांकि 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में राहुल की यात्रा महज 2.5 दिन रहेगी। इस 2.5 दिन के दौरान राहुल गांधी 130 किलोमीटर चलेंगे और इस 130 किलोमीटर के दौरान यूपी की 3 लोकसभा सीट और 11 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। राहुल गांधी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है देखें अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने अभी हाल ही में राहुल गांधी के बारे में बोला है कि राहुल गांधी एक योद्धा है और वो सच के रास्ते से हटेंगे नहीं। साथ ही में प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि अडानी अंबानी ने बड़े बड़े नेताओं को खरीदा पर भाई को यानी कि राहुल गांधी को नहीं खरीद पाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडिया के T20 मैच जीतने को लेकर। जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया ने साल 2023 का पहला मुकाबला जीत लिया है। भारत ने एशियन चैंपियन श्रीलंका को 2 रन से हराया है। जानकारी के मुताबिक टीम ने 5 साल के बाद साल का पहला मुकाबला जीता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ में मिले बम को लेकर। दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि बीते रोज पंजाब और हरियाणा मुख्यमंत्री के घर के पास एक बम मिला था, जिसे बीते रोज मंगलवार को डिफ्यूज किया जाना था। हालांकि बम किसी कारणों की वजह से डिफ्यूज नहीं हो पाया है। इसी की वजह से आर्मी अभी इसे अपने साथ ले गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सौरव गांगुली को लेकर। जानकारी के मुताबिक सौरव गांगुली की आईपीएल में जल्दी वापसी हो सकती है। बताया गया दिल्ली कैपिटल्स टीम में उनको एक नया पद मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से बीजेपी नेता के एक बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार के बयान से राज्य की राजनीति में फिर से एक बार उबाला गया है। दरअसल अभी हाल ही में वहां के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दे पे बात न करें बल्कि बात करें लव जिहाद की। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।